नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। अभी भी कई लोगों के लिए फेस सीरम एक नया प्रोडक्ट है। क्रीम के मुकाबले ये उतना पॉपुलर नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो सीरम एक हल्का मॉइस्चराइजर होता है। इसे त्वचा पर लगाने के बाद आपको एहसास नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है। वाटर बेस्ड होने के कारण ये त्वचा पर जल्दी से ऑब्जर्व हो जाता है। त्वचा में नमी बढ़ाने, एजिंग साइंस कम करने के अलावा भी फेस सीरम के कई फायदे हैं। हालांकि आपकी त्वचा के लिए तभी फायदेमंद होगा जब आप इसे सही तरीके से लगाएंगे। कई लोग फेस सीरम लगाते समय गलतियां कर देते हैं जिससे त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं फेस सीरम लगाते वक्त कौन सी गलतियां ना करें। टच ना होने दें। अगर आप सीरम लगाते समय ड्रॉपर को स्किन से टच होने देते हैं तो ऐसा ना करें। इससे बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है। ड्रॉपर से सीरम को हाथ में लेकर ही चेहरे पर लगाएं। सही मात्रा में लगाएं। अगर आप सीरम ज्यादा मात्रा में चेहरे पर लगाते हैं तो इससे स्किन ऑयली हो सकती है, वहीं कम लगाने पर असर कम होगा। इसलिए सीरम की 3 से 4 बूंद को हाथ पर डालकर चेहरे पर लगाएं। स्किन टाइप के अनुसार, त्वचा के अनुसार प्रोडक्ट ना चुनने से त्वचा को कुछ नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए ऑयली स्किन होने पर वाटर बेस्ड सीरम लगाएं, वहीं ड्राई स्किन पर ऑयल बेस्ड सीरम लगाना बेहतर रहेगा। चेहरे को ना मले। कुछ महिलाएं चेहरे पर सीरम लगाने के बाद चेहरे को मलती या मालिश करती हैं। ऐसा ना करें। सीरम को लगाने के बाद चेहरे को हल्के हाथों से थपथपाएं, इससे सीरम ऑब्जर्व हो जाएगा। चेहरे को साफ करें। हमेशा सीरम को साफ चेहरे पर ही लगाना चाहिए। चेहरे को धोने के बाद टोनर लगाएं, फिर 10 मिनट के बाद जब टोनर सूख जाए तो सीरम हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीरम दिन में आप कितनी बार लगा सकते हैं। दिन भर में 2 बार सीरम का इस्तेमाल चेहरे पर कर सकते हैं। वहीं सीरम का इस्तेमाल करने से पहले चेहरे को धोना जरूरी है, इसलिए क्लीन फेस पर ही सीरम लगाएं। सीरम लगाते समय ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर आप ये करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।